और कांग्रेस के हमारे साथियों ने बड़ी संख्या में इंदौर आके भी बोला, ये पीछे है पीछे कि आपको यहां से चुनाव लड़ना पड़ा। और कांग्रेस के हमारे साथियों ने बड़ी संख्या में इंदौर आके भी बोला, ये पीछे है पीछे कि आपको यहां से चुनाव लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस की बहुत खराब स्थिति है, सब लोगों ने बोला, सब लोगों ने बार बार जाके कांग्रेस अध्यक्ष जी को भोपाल दिल्ली जा जाके बोला बताया। लेकिन बात नहीं सुनी गई। मैं चाहता हूं कि अभी भी चूंकि हमको कांग्रेस सरकार बनानी है और यदि एक सीट भी हमको कम पड़ती है तो वह आलोक की होगी और यहाँ के निर्णायक सीटें आलोक की होगी। सरकार बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हमारा होगा। साथियों, हम लोग बहुत ये मत समझो कि चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ हूँ। मैंने भी आज सभा की बात क्या निर्णय रहा है, निर्णय में रहना है या बाहर? ये सुरला जी हमारे, हमारी कोर कमेटी बनाई तो सब मैदान में तो रहने ही है, नहीं रहने का तो सब अच्छी नहीं। पार्टी आदेश दे तो बहुत अच्छा है। अगर पार्टी ने आदेश भी दिया तो बगावत करनी है? नहीं, बगावत क्या होती है, अधिकार मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार देना चाहिए। पर यदि पार्टी यदि आपको टिकट नहीं देती है, उन्होंने भगत चावला को टिकट दे दिया है, उसके बाद आपका क्या स्टैंड है? कईयों बार टिकट बदली गई है। लास्ट मोमेंट में एक अजीत ने बताया, मेरी खुद की टिकट 93 में पंदाना से मिली थी और सिंबल हमने कलेक्टर को जमा कर दिया। जमा करने के बाद हमारी दूसरे ने आके जमा कर दिया वापस 3 बजे। तो कोई इस तरीके का कईयों बार हुआ। आज जो आप शक्ति प्रदर्शन किया है, कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति तो नहीं थी आपकी? नहीं, मैं कार्यकर्ताओं से चर्चा, अपने साथियों से चर्चा, जो बोल रहे थे, जो लोग आए थे, तो मैंने सार्वजनिक बुला लो सबसे बात कर लिया। आपको अभी लगता है कि पार्टी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचेगी, टिकट चेंज करेगी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं सोचेंगे। आपके ऊपर एक लेवल पर किससे बात चल रही है क्या आपके? मैं कोई इस मामले में आपको नहीं बताना चाहता हूँ। सर, अगर किसी कारण से टिकट नहीं होता तो क्या आप मैदान में डटे रहेंगे? आपने देखा ये सब लोगों ने क्या कहा? नहीं, आप मैदान में डटे रहेंगे? अरे वही बोल रहा हूँ मैं, सब लोगों क्या, मैं तो कार्यकर्ताओं की और नेतागणों की राय जानने आया था मैं, उन लोगों ने प्रकट कर दी। कार्यकर्ता की मंशा है कि आप चुनाव में खड़े हो? क्या कारण रहा आपकी पार्टी लेवल पर भी अच्छी पकड़ मानी जाती है, फिर भी अचानक से आपका टिकट नाम पूरी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा था कि प्रेमचंद मूर्ति का नाम नहीं जा सकता? नहीं, सर्वे पे तो था, लेकिन अभी ये कौन से सर्वे में आया है? अभी बोला कौन से सर्वे में आया है? क्या जो टिकट कांग्रेस की सरकार बनाना है तो इस टाइप की टिकट नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना मेरा। अभी क्या लगता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है? सरकार तो बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो हम सब लोग मिलकर बना देंगे। क्या ऐसी क्या वजह आ गई जिसके कारण से कांग्रेस को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि आपके से कत्ता होने का, जो 2 बार विधायक हो गए, एक बार सांसद है, उनको टिकट दे दिया? जो हल्का फुल्का सुनने में आया कि मेरी बेटी को नहीं दिया, दे दिया है, तो मेरे को नहीं, ये कोई पार्टी ने क्राइटेरिया नहीं है। एक ही परिवार में इसी पार्टी में इसी समय 4-4 टिकट, 3-3 टिकट, 2 टिकट, ऐसे हमारे बड़े नेताओं को 3 ऐसे घर में टिकट दिए गए हैं, यदि सक्षम है और लोगों की और कार्यकर्ताओं की भावना है तो उनके भावना के अनुरूप करना चाहिए उनको। आपको आदर्श किसी पार्टी का ऑफर मिला है क्या? बहुत सारी पार्टी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ।
एक तो मुख्यमंत्री का फ़ोन आया था मेरे को कि हमारा यहाँ दल अध्यक्ष बन के आप तैयारी करो, लेकिन वो वैसे लोगों के हम लोगों की भावना नहीं है। आपका अंतिम रूप क्या रहेगा, आप जाना चाहेंगे? नहीं, बस बस जो भावना है उसके अनुरूप करेंगे। नामांकन को लेकर की बात सामने आई थी कि आप किसको नामांकन करेंगे, ये पंडित जी के सुपर छोड़ा, अगर ये महाराज कागज निकाले ये जब मुहूर्त करेंगे, जब मूड बनाई लिया है नामांकन ये बस। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।